माफिया अभियान के तहत प्रशासन की कार्यवाही, भगवान पिता करण सिंह राजपूत निवासी महाकाल कॉलोनी के मकान पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही की गई। आरोपी पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा बेचते पकड़ा गया था। उसके पास से 2 किलो गांजा पकड़ा गया था। आरोपी जेल में बंद है और नशे का सौदागर होने के चलते उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एंटी माफिया अभियान जारी करते हुए गांजा और शराब तस्कर भगवान सिंह के मकान को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व नगर निगम के अमले की मदद से तोड़ा जा रहा है पूरा मकान। वहीं देवास जिला प्रशासन के अधिकारी और अलग अलग थाने के TI के साथ साथ मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। यह आरोपी का मकान बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र के महाकाल कॉलोनी में स्थित है। बताया जा रहा है कि आरोपी विभिन्न अपराधों में लिप्त होते हुए जेल में बंद है। बदमाश भगवान सिंह गांजा तस्कर है, जो कि नशे का सौदागर कहा जाता है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा लगातार जिले के 1-2 दिन छोड़कर एंटी माफिया अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। ADM प्रकाश सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश 5 वर्षों से लगातार नशे के कारोबार में लिप्त था, वही गांजा व अफीम का तस्कर भी रहा है। इस कारण से हम यहां आए हैं और सतत कार्यवाही की जा रही है। यहां पर मंगल मंदिर में आए, किस पर कार्रवाई की जा रही है, कौन है? भगवान सिंह राजपूत के मकान जो अवैध रूप से बना है, जिसे बिना परमिशन के बना है, उसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें कि ये आदतन अपराधी है और इसमें नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है। अभी विगत दिनों में इसे 2 किलो गांजा भी बरामद हुआ है और ये यहाँ शोहरत है कि विगत 5 सालों से ये मतलब ये अवैध कारोबार कर रहा है, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि ये इस प्रकार की कार्रवाइयाँ निरंतर चलती रहेगी और किसी भी अवैध कारोबारी को मतलब उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, ये क्या गांजा तस्कर है या फिर पूर्व में क्या रहा है, व्यापारी रहा है, किस तरीके की? अवैध नशे के कारोबार में लिप्त है, ये शोहरत है और विगत 5 साल से कर रहा है, ऐसी जानकारी है। और ये मतलब प्रूफ भी हो चुका है कि विगत दिनों में उसे जब्तियां भी हुई है। बताइए, महाकाल कॉलोनी में आप कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई और क्या पूरा होगा? महाकाल कॉलोनी में भगवान सिंह राजपूत जो है, इनके द्वारा अवैध मकान का निर्माण किया गया था, जिसकी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इनके द्वारा इस प्रकार की संपत्ति नशे के व्यापार से अर्जित की गई है। और ये नशे के व्यापारी और नशे का कारोबारी होकर विगत 5 सालों से इसके बारे में जो है गांजा बेचने की और आसपास में ऐसे लोगों को नशे का आदि बनाने की शोहरत थी। वर्तमान में पुलिस ने इसको गांजे के साथ में पकड़ा था। कोतवाली में इसके विरुद्ध अपराध दर्ज है और ये वर्तमान में जेल में है। और नगर निगम के द्वारा ऐसे नशे के कारोबारियों के विरुद्ध अवैध संपत्तियों को नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, कितना पुलिस व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगाई गई है ताकि ऐसे लोग किसी प्रकार का न्यूज़ क्रिएट न कर सकें। KNN न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलेकर की रिपोर्ट।